أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم एवरीवन और वेलकम बैक ऑन आवर लेक्चर सीरीज CS 101। तो आज का हम मॉड्यूल नंबर 19 देखेंगे और इंशाल्लाह हम उसमें स्टडी करेंगे काफ़ी कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास ओपन कर लेते हैं बुक जिसमें आपका मॉड्यूल नंबर 19 है रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक्स वैल्यूज। तो इंशाल्लाह आज हम इसको देखेंगे और आगे भी काफ़ी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है 10 मॉड्यूल कम से कम करवा सकूं इस लेक्चर्स में। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि यहां पे जो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, हमने लास्ट टाइम किया था कि बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनका क्या मेथड्स होता है, तो ये सारी वैल्यूज़ उस पर ही डिपेंडेंट है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर ये है कि रिप्रेजेंटिंग आप न्यूमेरिक वैल्यू किस तरह जाहिर करेंगे किसी भी मॉड्यूल में। तो उसके लिए सबसे पहले है कि इनएफिशिएंट सपोज यू वांट टू स्टोर 12 यू शुड नीड टू 16 बिट टू डू दैट। अब आपने यहाँ पे एक बात गौर से याद रखनी है, वो आपको कह रहा है कि अगर आपको 12 नंबर स्टोर करने हैं तो आपको 16 बिट लेना पड़ेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा, और हेक्सामल डेसिमल लेना पड़ेगा। 99 कुड बी स्टोर्ड इन 16 बिट, जो 99 है आपका वो भी 16 बिट में स्टोर होगा, इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। बाइनरी नोटेशन जो है व्यूअर्स आपका 0 से लेकर 9 तक चलता है, ये बात आपने जो है याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बताऊँगा वो आपने नोट डाउन करते जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक जो भी आपके डिजिट्स आते हैं वो आपके बाइनरी में आ जाएंगे। जब आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, 10 से लेके आगे जितने भी 16 या 99 तक आएंगे तो वो सारे किस में आएंगे, टू हेक्साडेसिमल में आएंगे, यहाँ पे हेक्साडेसिमल 16 बिट में आएंगे। और यहाँ ये वाले कितने में आएंगे, ये वाले आएंगे 2 बिट में, यानी कि कौन से, 0.1 में, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे देखो ये वाला टेबल वही है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, 0 से लेकर 1 to 7 तक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, वो किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले मॉड्यूल नहीं देखे तो वो मॉड्यूल देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये ब्रीफली बताया है कि आप ये कैसे निकालते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने 15 तक नंबर्स निकाले हैं तो ये एक सिंपल सा मेथड था, जैसे ये है वैसे ही ये है, और इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है, इफ़ वी हैव 16 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 6 5 5 3 6 न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है गाइस। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो हम इसको जो है आप हाईलाइट कर लेते हैं कि अगर हमें ये देखें, अगर हमने 16 बिट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कितनी पावर देंगे, 2 पावर 6 16। लेकिन अगर इसी तरह अगर हमने 2 की पावर 2 देनी होती तो हम किस तरह देते, इस तरह से देते। अब हम आते हैं बाइनरी नोटेशन वेरिएशंस, ये भी सिंपल हैं और वैसे ही हैं। मॉड्यूल नंबर 20 पे आते हैं और यहाँ पे हम लर्न करेंगे रिप्रेजेंटिंग इमेज। इन दिस मॉड्यूल वी लर्न हाउ इमेजेस आर स्टोर्ड इन मेमोरी, इमेज कैसे स्टोर होती हैं आपकी मेमोरी में। तो व्यूअर्स इसके बहुत ही सिंपल हैं, जब आप इमेजेस स्टोर करते हैं आपके कंप्यूटर में तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे स्टोर होती है। तो इंशाल्लाह हम इस पर लर्न करेंगे। सबसे पहले आप पिक्सल देख लें, पिक्सल किसको कहते हैं, द पिक्सल्स कहते हैं द स्मॉलेस्ट डॉट ऑन योर स्क्रीन इज अ कॉल्ड एन वन अ पिक्सल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पिक्सल ऑन योर डेस्कटॉप या एनीथिंग इज कॉल्ड पिक्सल, यहाँ पे स्मॉलेस्ट डॉट आएगा, ठीक है। और इन डॉट को जहाँ पे अगर आप इसको स्क्रीन को जूम करते जाएंगे तो अगर आप कोई भी लफ्ज़ है अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको ये नज़र आएगा ये एक क्या है, डॉट है। लेट से मैं आपको एक जूम करके ना दिखाऊं, ये देखो अभी तो ये आपको ए नज़र आ रहा होगा लेकिन अगर आप इसको और जूम करते जाएंगे तो ये आपको डॉट डॉट से बना ए नज़र आएगा, ठीक है। तो ये है पिक्सल्स जो आपकी स्क्रीन पे भी, ये आप अगर स्क्रीन जूम करेंगे तब भी आपको ये पिक्सल्स नजर आएंगे। मीन्स दैट कलेक्शन ऑफ डॉट्स क्या कहलाते हैं, आपकी स्क्रीन कहलाते हैं। अपीयरेंस ऑफ ईच पिक्सल्स इज इनकोडेड टू फॉर्म बिट मैप, बिट मैप के ऊपर ये सारे पिक्सल शो हो रहे होते हैं। मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंटर वर्क ऑन पिक्सल कंसेप्ट,
ठीक है, तो अभी हम इसकी समझते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होती है। इन ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, दो तरह की इमेजेस होती हैं। अब तो एक, अब वाइट की जगह आप कह सकते हो कि कलरिंग इमेजेस भी आ गई हैं, ठीक है ना। ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड एज वन बिट, ई 04 ब्लैक और 14 वाइट। ये बात आपने बस याद रख लेनी है इतना सा कि जनाब इनकोडिंग कैसे होती है। जो ब्लैक होती हैं उनके लिए जीरो होता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक 40 एंड वाइट 14 वाइट फॉर यूजिंग इनकोडिंग मेथड। अब अगर आपने हैंडलिंग शेड करनी है तब क्या करोगे आप? ये तो था पिक्सल टू बिट मैप, अब आता है हैंडलिंग शेड्स। हैंडलिंग शेड्स के लिए क्या करना होता है व्यूअर्स, 8 बिट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1 बिट टू स्टोर द शेड्स फॉर ग्रेनिस। एट बिट्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ 1 बिट टू स्टोर शेड ऑफ ग्रेनिस। अब आपने यहाँ पे बात सुन ली होगी कि ब्लैक के लिए जीरो कलर इस्तेमाल होता है, 1 के लिए वाइट इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हमने ग्रे कलर यूज करना हो तो कौन सा कोड इस्तेमाल होता है? 8 बिट आर यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ 1 एंड दिस, ठीक है गाइस। तो ये वाला जो जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ आपने भी हाईलाइट करते जाना है। उसके बाद आते हैं कलरफुल इमेजेस के लिए क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू इनकोडिंग, ठीक है। ये आपके तीन बेसिक कलर्स होते हैं, यही कलर्स जो होते हैं आपके इस्तेमाल होते हैं, 1/4 रेड, 1/4 ग्रीन एंड 1/4 ब्लू, 3 bytes टू रिप्रेजेंट 1 पिक्सल। ओके गाइस, तो ये आपका सिंपल सा हो चुका है। अब बिना आते हैं ब्राइटनेस के हवाले से देख लेते हैं कि ब्राइटनेस जो आपकी आती है वो किस तरह से आती है। तो ब्राइटनेस के लिए व्यूअर्स दो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं जो कि दो कलर सीकिंग पर मुश्तमिल होते हैं। एक होता है ब्राइटनेस कंपोनेंट इज इक्वल टू पिक्सल ल्यूमिनेशन सम ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लूस। ये तीनों की जो सम है ना आपकी क्या कहलाती है, कलरफुल इमेज बनाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने आप इस पेज को हाईलाइट करते जाओगे लेक्चर सुनने के बाद, जब आप इसको दोबारा पे आओगे ना तो आपको पता चल जाएगा पिक्सल के लिए जनाब 0 और 1 होता है, हैंडलिंग के लिए 8 bit जब ग्रे आ जाए तो उसके लिए 8 कलर होते हैं, और जब कलरफुल इमेज बनानी है तो आप 3 कलर इस्तेमाल करते हो, रेड ग्रीन ब्लू। और उसके बाद अगर आपने ब्राइट क्रोमिक्स निकालनी है तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये वाला काम करते हो, पिक्सल इल्यूमिनेशन सम ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू इस्तेमाल करते हो। उसके बाद आती है स्केलिंग के हवाले से, तो ये गाइस आप तो अपने होते हैं कि आप अपने हिसाब से इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर इमेज स्केल, कलेक्शन ऑफ लाइंस एंड कर्व्स, ये तो हर एक को पता होता है कि उसकी लाइंस एंड कर्व्स के हवाले से किस तरह उसको हाईलाइट करते हैं, तो आई होप सो कि इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद स्केलेबल फोन, ट्रू टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, पोस्ट स्किप बाय अडोबी एंड आल्सो पॉपुलर इन अ कंप्यूटर एंड डिजाइनिंग जिसे हम कैड कहते हैं। ये वो तीन चीज़ें हैं जो आप जिसके जरिए पहला वाला आ गया टेक्स्ट किसके साथ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का आप यूज़ कर लें, उसके बाद अडोबी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और ये आपका नीचे कैड आ गया। अब हम आते हैं साउंड एम्पलीट्यूड के हवाले से क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग साउंड मॉड्यूल नंबर 21। साउंड में आपने आवाज़ें सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ आप भी सुनते हैं, तो हम इंशाल्लाह यही लर्न करेंगे कि हम आवाज़ को किस तरह से कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और ये किस तरह से हमें आवाज़ कंप्यूटर वाली जो है सुनाई देती है। तो गाइस इन दिस लेक्चर्स वी विल लर्न दैट थिंग्स। यहाँ पे आपने सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है जो उसने हाईलाइट किए हुए हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड्स या साउंड एम्पलीट्यूड इज एक्सपीरियंस एज द लाउडनेस ऑफ साउंड। ओके गाइस, आई होप सो कि ये सिंपल लाइन भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ टू इनकोडिंग द साउंड, कि आप साउंड को इनकोड कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमने एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि सैंपल्स उसने कहा कि आपको ये एक दे दिया है जिसमें आपने उसने कोड किया हुआ है, एट रेगुलर इंटरवल्स एंड रिकॉर्ड द वैल्यू एज शोन इन द फिगर। फोर्स पोज करो, वो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, जिस तरह की आवाज़ की पिच होगी वो वैसे वैसे इसको रिकॉर्ड करता जाएगा। लेट्स से मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आप गूगल पे आए अगर आप यहाँ पे लिखें साउंड टेस्ट माइक,
अब यहाँ पे देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ऑनलाइन वॉइस रिकॉर्डर माइक्रोफोन। अब आप यहाँ पे एक बात जोर नोट करेंगे, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CS101 के मॉड्यूल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अब आप यहाँ पे देखो ये प्रोसेस हो रहा है। अब आप यहाँ पे लाइंस कर्स देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ये फासला है। अब ये देखो जो मैं बात कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ठीक है गाइस। CS101। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आवाज़ किस तरह से एक लहर में, मतलब कभी आपने देखा नहीं कि इस तरह से आवाज़ आती हो। जब भी हम बोलते हैं तो इस तरह से अप्स एंड डाउन्स ही ट्यून्स में आती है। तो सबसे पहले वाली मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी लहरों की जानिब। उसने कहा है कि 8,000 सैम्पल्स पर सेकेंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन। 8,000 जो है लॉन्ग तक आप बात कर सकते हैं। हाउ टू सोंग डेटा कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एट वन एंड इट स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर ईच 8,000 ऑफ सेकेंड्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क रिसीवर ऑन द अदर हैंड, सो इट प्रोड्यूस द एम्पलीट्यूड। ये गाइज ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक आपने आई थिंक इंटर लेवल में पढ़ी होगी। मैं आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह आपको बता के नेक्स्ट मूव ऑन होता जाऊँगा। तो ये वाला सारा आप स्टडी कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल नंबर 22 पे, बाइनरी नोटेशन क्या होते हैं, और ये सबसे अहम और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हैं इन दिस आवर लेक्चर सीरीज। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आपने नोट करना है बाइनरी नोटेशन पावर मेथड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2's power 1, 2's power 2, 2's power 3, 2's power 4। टू अंडरस्टैंड बाइनरी नोटेशन वी फर्स्ट रिकॉल डेसिमल नंबर वी यूज इन आवर डेली लाइफ। व्हेन वी से 375 देन रिप्रेजेंटिंग ऑफ 375 इन डेसिमल वैल्यू वी लर्न द टेबल 11। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको होप्स हो कि लास्ट टाइम बताया था कि आपने ये कैसे करना है। अगर मेरे पास यहाँ पे देखो 375 है, तो मैंने कहा था इसको ऐसे करेंगे 375 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 1, 2 16 आ गया 17, और उसके बाद 2 7 बार 14 आ गया और आपके पास 1 बच गया। ठीक है, फिर आप 2 पे करोगे 8 पे आ जाएगा 16। ठीक है, 2 3 बार 6 आ जाओगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओगे 2 4 बार 8, 2 1 बार 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 फिर करोगे और यहाँ पे 20 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं मैंने यहाँ पे राइट करी हैं, वो आपको उसने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि 0 किस तरह आया, फिर 2 कैसे आया, फिर 0 0 0 0 1, और उसने 375 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये था आपका। अब आते हैं, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ मौजूद हो गाइस, ये वाली वैल्यू अगर वो कहता है इसको आपने डेसिमल में बनाना है, मसलन आप ये देख रहे हो आपने इसको बाइनरी बनाया, 375 को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया जी, हमने लिख दिया जनाब, वेल एंड गुड हो गया। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि आपने इसको डेसिमल में प्लेस करना है, तब आप क्या करोगे, तब आप ये करोगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 2 आप करोगे। ठीक है, फिर आप उनको क्या करोगे, उनको जो है इस तरफ इस फॉर्म में आप इजीली लिख सकोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आई आपको इसकी एग्जांपल नीचे देता हूँ। एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटिंग ऑफ पॉजिटिव एंड डेसिमल नंबर। ये आपको समझ आ गया, ये वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना सा क्या कहा गया है, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है 375 को इसने 2 पे डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे एल्गोरिदम फॉर ये वाला। ठीक है, एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले जो हम बाद एक लर्न कर लेते हैं, डिवाइडिंग द वैल्यू बाय 2 एंड रिकॉर्ड द रिमाइंडर्स। ये आपने 3 याद रखनी है, ये वाली वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अभी लाइव करके दिखाई थी। क्या पहले क्या करना है कि आपने जो भी 2 पे तकसीम करते हो उसके रिमाइंडर को आपने राइट साइड पे लिख लेना है,
उसके बाद अगर ज़ीरो आ जाए तो आपने उसको नहीं डिवाइड करना। उसके बाद जो है नाउ अ क्वोशेंट ऑफ द ज़ीरो हैज़ बीन ऑब्टेन द बाइनरी रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया था कि आप दो पे तकसीम करोगे फिर उसको ऊपर राइट साइड पे बताओगे, तो ये सारा सिंपली मेथड वही था। अब आ जाते हैं, ये देखो वही है ना जो मैंने आपको बताया था, गैस गुड। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट की जानिब। अब यहाँ पे देखो बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है, आपको इंशाल्लाह विद इन अ सेकेंड समय समझ आ जाएगी। बाइनरी एडिशन करने के लिए मैं आपको एक स्लाइड में बल्कि आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद हम एक नोटपैड ओपन कर लेंगे। ऐसे यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, एक आपने सिर्फ इस बात में बात याद रखनी है, यहाँ पे जब भी आप एडिशन करोगे तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात ही याद रखनी है, मेरी बात। एडिशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवीज़न आ जाए, माइनस आ जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो ये है वन और ये है वन, ठीक है। वन वन हमारे पास, वैसे हमारे पास होता है टू, ठीक है ना, हमारे पास होता है टू, लेकिन यहाँ पे कैसे होते हैं, जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तब हमारे पास व्यूअर्स ऐसे होते हैं कि सबसे पहले हम वन वन ज़ीरो, ज़ीरो के आगे बाद में जब आप यहाँ पे वन वन करोगे ना तो इसकी एडिशन आती है ज़ीरो वन वन ज़ीरो, ये आपने बात याद रखना है। वन वन प्लस कितना होता है इज इक्वल टू वन, ये मेरी बात आपने याद। बाइनरी में क्या होता है, एक एक दो नहीं होते, ठीक है, एक 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 होता है, क्योंकि बाइनरी में तो ज़ीरो और वन होते हैं ना, सिर्फ टू को तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसीलिए जब एडिशन करते हैं तो वन 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 होता है, और इसमें जो सिंपल है, सॉरी वन 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 ज़ीरो होता है, ऐसे वन ज़ीरो वन होता है ऐसे, ठीक है, ज़ीरो आ जाता है, वन आगे चला जाता है आपका। अब यहाँ पे देखो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो हो गया और वन आपका आगे चला गया। अब यहाँ पे देखो वन वन ज़ीरो है प्लस यहाँ पे आपका एक आ गया और वो आपका ये आ गया। ज़ीरो जमा एक कितना होता है, वो एक होता है, एक जमा ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो 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 होता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना लगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न से ख़त्म करने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये चीज़ें बात याद रख लेनी है कि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, एक ये वाला फॉर्म, एक ये वाली फॉर्म, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है गाइस, एक ये वाली। अब इन चारों में आपने दो चीज़ें तो देख ली, आपको पता चल गया, ये तो बहुत आसान है कि एक ज़ीरो एक होता है, ज़ीरो एक एक होता है, लेकिन ज़ीरो 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 ये भी आपको पता है कि ये आम चीज़ ही है, लेकिन ये वाली बात जो है सिर्फ नोट करने वाली थी, ये वाली इसलिए नोट करने वाली थी कि एक एक ज़ीरो होगा जमा एक उसके नेक्स्ट आगे वो उसको पार्स कर देगा, मतलब मूव कर देगा, उसके नेक्स्ट पे कर देगा, ठीक है गाइस। तो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको छोड़ो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि आप इसको किस तरह से कर सकते हो, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसको रीडिंग स्टडी करने की ज़रूरत है। तो बाइनरी एडिशन में सिर्फ इतना सा ही है कि आप उसको कैसे जो है करते हो, ठीक है ना गाइस। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई से दैट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक आ जाए, ठीक है ना, एक आ गया। अब मैं यहाँ पे उसको ऐड करने लगा हूँ, ठीक है, उसको जब मैं ऐड करूँगा तो वन वन क्या होगा, ज़ीरो और वन वन ज़ीरो होगा, ठीक है, ये बस आपने याद रख लेना रख लेना। अब ये कैसे आएगा मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये किस तरह से आया है, वन वन ज़ीरो आ गया, फिर वन जो है उसका नेक्स्ट कैरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वन कैरी आ जाता है इसमें, वन वन ज़ीरो होता है फिर वो आगे मूव हो जाता है, तो ये था सिर्फ इतना सा। अब आते हैं आपको, अगर मैं बताना चाहूँ रेडिक्स किसको कहते हैं, रेडिक्स पॉइंट फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं गाइस, फैक्टराइजेशन भी बिल्कुल आसान है। कभी आपने ये देखो, मैं आपको एक यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जब आप फैक्टराइजेशन करते हो तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ 40
5.3975. अब जब मैंने ये लिखा है बाइनरी में, तो आपके जो लेफ्ट राइट साइड वाले हैं ना, ये वाले जो राइट साइड वाले हैं, ठीक है ना, ये आपका आ गया राइट साइड, सॉरी ये आपका आ गया राइट और ये आपका आ गया लेफ्ट, ठीक है। अब इस राइट और लेफ्ट का क्या चक्कर है? अब ये जो राइट साइड वाले होते हैं ना, आपने इसकी पावर हम देते हैं, इसकी पावर होती है इट्स पावर माइनस वन, माइनस वन। और इसकी पावर जो लेफ्ट साइड पे होती है, इसकी पावर कितनी होती है? इट्स पावर प्लस वन, ठीक है गाइस। इसकी पॉजिटिव होती है और इसकी माइनस वन से स्टार्ट होती है। अब उसने भी यहाँ पे सिर्फ वही किया है कि यहाँ पे देखो उसने क्या किया कि अगर हमारे पास ये समझ लो कि 45.235 है, अगर हमने इसको कैसे लिखना है, तो इसको हम सिर्फ इतना सा लिखेंगे, ठीक है ना, फोर पावर, मुझे अब ये पावर का बटन नहीं है तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पावर आप दूसरी तरह पावर डाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से ये डाली हुई है, ठीक है, इसको कॉपी मत ना करिएगा, फोर, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है, पॉइंट है ना, आपने भी पॉइंट डाल देना है। अब यहाँ पे आपने जो ऊपर लिखना है ना, यहाँ सबसे पहले आप लिखोगे 0 और यहाँ इसके ऊपर क्या लिखोगे 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला था ना मेरे पास 2 था ना, तो 2 की पावर माइनस वन आ जाएगी, ये भी देखो 4, सॉरी ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये भी थोड़ा सा गलत हो जाना था, अभी यहाँ पे आएगा 0 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं और अब यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे हमारे पास था 235, तो 235 और इसके ऊपर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से माइनस वन, ठीक है, माइनस टू एंड माइनस थ्री, इन तीनों का लहदा लहदा से, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो अंडरस्टैंड करने में, ये इसकी आ जाएगी, ये इसके आ गया और ये इसके आ गया, ठीक है गाइस, ऐसे। तो अब जब इसकी पावर आप करोगे तो ये सिंपल सी बात है कि ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से दैट। अगर फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई होप सो कि ये आपको समझ नेक्स्ट टाइम जो है आपको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद एडिंग इन अ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, सेम मेथड वही है, एडिंग कैसे करना है, 10 यहाँ पे देखो 101 आ गया, 11 क्या होता है, मैंने क्या बोला था, 11 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब इस एग्जांपल में देखो आप ये वाले को, ये है ना, अगर मैं आपको ये वाली फ्रैक्शन जो है ना, ये वाली फ्रैक्शन जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ, इसको अगर हम आपकी इसमें स्लाइड्स में करके दिखाएं आपको, ये देखो हम इसको इसमें कर लेते हैं, सॉरी, अब हम इसको जो है ना एमएस ऑफिस में कर लेते हैं, ताकि गाइस आपका जो है ना टाइम थोड़ा सा बच जाए। तो हमारे पास ये ओपन हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको कर लेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और कहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है गाइस। अब आप इन्हें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास लिखा है 10.001, फिर लिखा है 100.110, ठीक है, और उसके बाद ऐसे लाइन है और इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, ऐसे ही है। तो हम थोड़ी सी इसको आगे कर देते हैं और आपको थोड़ा सा जूम को छोड़ें, हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है, 11 क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, 11 होगा 0, ठीक है गाइस, 0 के बाद यहाँ पे 01 क्या होगा, सॉरी 110 क्या होगा, 1,
जीरो वन क्या होगा? जीरो। फिर ये जीरो वन क्या होगा? फिर जीरो, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, एक मेरी बात याद रखना, यहाँ पे वन था तो आपने मुझे बताया नहीं, वन वन करो ना, फिर ये गलत क्यों आ रहा है वो भी तो सोचो। वन ज़ीरो आपने देखा, वन ज़ीरो वन है, वन वन क्या होता है? मैंने आपको बताया था वन वन क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि अगर वन और हमने देखा था वन और अगर वन आ जाए तो उसकी एडिशन क्या होगी? वन और ज़ीरो होगी, देखा था ना। तो बस आपने ये याद रखना है कि ज़ीरो आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा। वन वन का क्या आया? ज़ीरो, वन आगे चला गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास जब यहाँ पे वन आया तो हमारे पास अब ज़ीरो और वन ही रहा, हमारे पास आ चुका है ज़ीरो और सॉरी यहाँ पे अब हमारे पास आ चुका है वन और वन। अब फिर वन वन आ गया तो फिर वन वन क्या होगा? फिर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, फिर वन यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे जब वन आया तो वन ज़ीरो क्या हो गए? वन हो गए, ठीक है। अब फिर वन वन क्या हो गए? फिर वन वन आ गया, और ये आपका वन वन आ गया। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कहीं से प्रॉब्लम आई है तो आप भी झिझक मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि ये जो है मॉड्यूल्स 25 में कि कंपोनेंट हम कैसे स्टोर कर सकते हैं बाइनरी में, लेफ्ट वाले क्या से करते हैं, राइट वाले कैसे करते हैं, या फिर ठीक है। तो आई होप सो कि ये भी छोटा सा ही है, हम इसको भी इधर ही कवर कर लेते हैं। तो वैसे ना मॉड्यूल नंबर 25 भी बहुत सा छोटा से सेकंड कंपोनेंट कैसे लेते हैं। अब आपने यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, आपके पास यहाँ पे सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है जब भी सेकंड कंप्लीमेंट लेना है किसी भी इंटीजर का। सबसे पहले जो बात आपने याद रखनी है, अगर तो हमारे पास है 30 बिट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। अगर जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, आपको पता है 0 0 1 1 2 3 4 5, वो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ज़ीरो से, यानी कि यहाँ से, ये देखो 0 1 2 3 गोइंग अपवर्ड, अपवर्ड जा रहे हैं। ये देखो, मैं अगर आपको ऐसे स्क्रीन शॉट लेकर दिखा देता हूँ, ऐसे देखो यहाँ पे जा रहे हैं हम अपवर्ड, ठीक है। ज़ीरो गोइंग अपवर्ड अंटिल अ सिंगल ज़ीरो इज़ रीच फॉलोइंग बाय फर्स्ट कंपोनेंट, जब तक हम उसके फर्स्ट कंपोनेंट का ज़ीरो पे नहीं आ जाते। इसी तरह जब नेगेटिव के लिए होंगे तो हम क्या करेंगे? डाउन नेगेटिव अंटिल इज़ रीच द फॉलोइंग बाय द पॉजिटिव इन चीजेस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट गोइंग डाउनवर्ड अंटिल अ सिंगल वन इज़ रीच फॉलोइंग बाय द ऑल ज़ीरोज, ठीक है गाइस। बहुत आसान है, आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से दैट, ठीक है गाइस। तो इसमें भी बहुत सिंपल सा था, इंटीजर आर प्रेजेंट इन द पैटर्न ऑफ थ्री लेंथ इन द फिगर्स एंड पैटर्न ऑफ फोर लेंथ हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फिगर्स बिलो। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अब उसने आपको बोला है कि एक वैल्यू वो है जो थ्री लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है और एक वो है जो फोर लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास मौजूद है। अब जो लास्ट वाला वन वन है ना, आपने याद रखना है, एक इसमें आपने नोट की है बात, आपने जब ये वाली बात देखनी है, गौर करना है, ये वाला तो हमारे सिंपल से वैसे ही आ गया, सेवन्थ का 111 आ गया, ठीक है ना। ये वाला अगर आपको, ये वाला जो मैं आपको दिखाऊं, ये वाला तो इसको छोड़ दो। अब आपके पास ये वाला एक चीज़, आपके पास राइट साइड पे एक लिखी चीज़ आ रही होगी पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से। अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो पॉजिटिव हैं वो सारे ज़ीरो हैं, ऐसे ही है, और जो नेगेटिव हैं वो उसने क्या कहा था कि अनटिल वी गर्ल रीच एट वन, जब तक हम एट वन पे नहीं पहुंच जाते तो हमारे पास ये देखो वन आ रहे हैं, तो हमारे पास ये सारे के सारे वन है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में क्या है, हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो मौजूद हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बिटवीन द सेकंड कंप्लीमेंट ऑफ इंटीजर्स इन CS 101। एंड नाउ वी विल मूव इफ कन्वर्जेशन बिटवीन द पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग, तो ये गाइज वही है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टाटा एंड बाय बाय।